हमारे ये इसका उद्देश्य यही है कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है हम कैसे उसके उपयोग कर सके। तो ऐसे कॉपीज तो हमारे मार्केट में भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, इवन बच्चों से भी हम ले सकते हैं कि अच्छा चलो सभी कौन कौन वॉलंटियरी एक एक पेज मुझे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो ऐसे आप ले सकते हो बच्चों से। और बच्चों इसको आप थोड़ा सा शेप में काट सकते हैं, जैसे इसके बॉर्डर लाइंस हैं इनको आप अलग कर दो तो ऐसे आपको स्क्वायर शेप दिखेगा। अब क्या कर सकते हैं चंदन, अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि इनको बनाते कैसे हैं। तो जैसे मैंने उस एक्टिविटी में क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स बताए थे है ना, तो क्लासरूम के जो ऑब्जेक्ट्स आए थे, ब्लैक बोर्ड आए थे, बुक आए थे, डोर, बेंच, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने हॉरिजेंटली या वर्टिकली ऐसे मैंने लिख दिया, फिर उसको बाकी सारे लेटर से फिल कर दिया। तो ऐसे 3-4 कॉपीज हम बना सकते हैं बड़े आसानी से। और जरूरी है कि इसको हम ऐसे ही थोड़ा सा बोल्ड अक्षर में ही लिखे ताकि बच्चों को समझ में आए, और हमेशा इसको हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखे तो ये बच्चों को समझने में आसानी होती है। और जितने भी ऐसे क्रॉसवर्ड पजल है या फिर ऐसे वर्ड सर्च पजल है तो उसमें हम बोल्ड अक्षर ही यूज करते हैं। थैंक यू तो देवी ये बताने के लिए कि बनता कैसे, नहीं तो बहुत लोगों को नहीं पता होता। यानी जो आपके की वर्ड थे वो आप पहले लिख लें, फिर बहुत सारे लेटर्स हैं आप उसको जम्बल्ड तौर पे लिख लें, जी उसको और फिल तब ये कर दें। देखें कि बच्चे आ आके उसको ढूंढ रहे हैं, और आप देखेंगे कि एक मजेदार इंग्लिश की कक्षा क्रिएट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ जी डब्बे वाली कॉपी वो किसी की बैग में भी मिल जाएगी, राइट। बिल्कुल। और इसको आप ग्रुप इंडिविजुअली भी बच्चों को दे सकते हैं या फिर आप ग्रुप में भी डिवाइड करके बच्चों को दे, तो ग्रुप में भी बच्चे मिलके इसको सर्च कर सकते हैं और इनको हाईलाइट करने दे। तो ये बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है चंदन।